बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नवीद नवाज़ एंड टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। बेटा, अपने फ़र्स्ट लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के हवाले से, अपने फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से इस टेंस की डेफिनेशन, रिकग्निशन, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज तक समझाया था। मैं थोड़ा सा जो है ना रिपीट कर देता हूँ फिर से। मैंने आपको डेफिनेशन का बताया था कि ये टेंस जाहिर करता है कि काम किसी आइंदा ज़माने में होगा, यानी किसी भी काम का करना या होना आने वाले वक्त के हवाले से है बेटा, आने वाले वक्त में होगा इस टेंस में, ठीक है ना बेटा। आने वाले वक्त ज़माने मुस्तकबिल के हवाले से बात की जाती है। उसके बाद रिकग्निशन बेटा, तो रिकग्निशन में मैंने आपको बताया था कि इस टेंस के उर्दू फिक्रों के आखिर में गा, गी और गे आता है। बहुत आसान है, बहुत आसान जो है ना इसकी रिकग्निशन है बेटा, पहचान है। तो इस रिकग्निशन को, हर टेंस की रिकग्निशन को, पहचान को आपने लाजमी जहन में रखना है। इस उर्दू फिक्रों को जहन में रख के आप टेंस की पहचान करते हैं बेटा। जो भी आखिर में अल्फाज आते हैं उनको अपने माइंड में रख के आपको टेंस की पहचान होती है, क्योंकि हमने उन उर्दू फिक्रों को ही टेंस के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो इसलिए उर्दू फिक्रों के आखिर में आने वाले अल्फाज को याद रखना, टेंस के हवाले से याद रखना बहुत ज़रूरी है बेटा। फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस बेटा, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरतीब मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को हम यूज़ करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर बेटा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब विल और शैल को हम एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। बताया था कि वो वर्ब जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब की हेल्प करे उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी, मैं सेब खाऊंगा, ठीक है ना बेटा, आई शैल ईट एन एप्पल। फिर वो अपना सबक याद करेगी, शी विल लर्न हर लेसन। उसके बाद बेटा वो मैच खेलेंगे, दे विल प्ले अ मैच। अब आप देखें कि यहाँ आई के साथ मैंने शैल यूज़ किया है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है मैंने शैल किया है, जबकि इधर शी और दे के साथ मैंने विल यूज़ किया है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है बेटा कि जब सब्जेक्ट आई हो या वुई हो तो फिर हम शैल यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले बेटा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब शैल यूज़ करते हैं, और जब सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम हो तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रे, आपको पता है कि जब बात नेगेटिव की होती है तो लाजमी हम नॉट यूज़ करते हैं, लाजमी। अब सबसे पहले, ठीक है ना, सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद बेटा पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो विल और शैल ही हमने यूज़ किया, लेकिन चूँकि इधर नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने नॉट यूज़ करना है तो विल नॉट, शैल नॉट आएगा, विल नॉट, शैल नॉट। उसके बाद बेटा वैसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जहन में रखें कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में हम विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट। अब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है बेटा। मैं एक सेब खाऊंगा, आई शैल ईट एन एप्पल। मैं एक सेब नहीं खाऊंगा तो आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, ठीक है ना बेटा। सब्जेक्ट आई है तो आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट आई हो तो हम शैल यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो शैल नॉट, आई शैल नॉट। ईट एन एप्पल।
वो अपना सबक याद करेगी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। शी विल लर्न हर लेसन, इसे हमने नेगेटिव में बेटा कन्वर्ट करना है। वो अपना सबक याद नहीं करेगी, तो शी विल नॉट लर्न हर लेसन। चूंकि सब्जेक्ट शी है तो इसलिए हम विल यूज करेंगे। ये बात जहन में रखिए, आई और वी के साथ हमने शैल यूज करना है, बाकी सब के साथ हमने विल यूज करना है बेटा। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट होगा। तो वो अपना सबक याद नहीं करेगी, शी विल नॉट लर्न हर लेसन। फिर बेटा पॉजिटिव सेंटेंस है, वो मैच खेलेंगे, दे विल प्ले अ मैच। नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, वो मैच नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले अ मैच। दे विल नॉट प्ले, मेन फॉर्म ऑफ हर बेटा, दे विल नॉट प्ले अ मैच। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रे आएंगे। सवालिया फिक्रे वो होते हैं, आपको पता है, जिनमें सवाल पूछा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बेटा, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हर टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है ना, जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हमने यूज़ किया है, उसके बाद जो नॉट आया, ठीक है ना बेटा, नॉट से पहले जो हमने विल और शैल यूज़ किया हुआ है बेटा, तो ये विल और शैल यहाँ भी सबसे पहले आएगा। आपको बताया हुआ बेटा कि हर टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें नॉट से पहले जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो हेल्पिंग वर्ब इधर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सबसे पहले आएगा। अब इधर नॉट से पहले विल और शैल को हमने यूज किया एज हेल्पिंग वर्ब, तो ये विल और शैल इधर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सबसे पहले आएंगे। तो विल और शैल बेटा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, जो सीक्वेंस बनेगी बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, सबसे पहले विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। सवालिया फिक्रों में आखिर में सवालिया निशान लाजमी लगाया जाता है, बच्चे भूल जाते हैं ड्यूरिंग टेस्ट, जब रेगुलर क्लासेस में बेटा टेस्ट होता है तो बच्चे भूल जाते हैं, इसे लाजमी जहन में रखें। सवालिया फिक्रों में सवालिया निशान आखिर में लाजमी डाला जाता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके आखिर में क्वेश्चन मार्क ज़रूर डाला करें। अब पॉजिटिव सेंटेंस था, मैं सेब खाऊंगा, आई शैल ईट एन एप्पल। नेगेटिव सेंटेंस, मैं सेब नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट एप्पल। इसको अपने हम कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, क्या मैं सेब खाऊंगा, ठीक है ना, क्या मैं सेब खाऊंगा। शैल आई ईट एन एप्पल, ठीक है बेटा, शैल आई ईट एन एप्पल। फिर वो अपना सबक याद करेगी, शी विल लर्न अ लेसन, इसे इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या वो अपना सबक याद करेगी, विल शी लर्न हर लेसन क्वेश्चन मार्क। विल शी लर्न हर लेसन, अपना सबक बेटा हर लेसन, और उसके आखिर में सवालिया निशान।
फिर बेटा वो मैच खेलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है, दे विल प्ले अ मैच, इसे इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वो मैच खेलेंगे, विल दे प्ले अ मैच, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, विल दे प्ले अ मैच क्वेश्चन मार्क बेटा। उसके बाद हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों को बेटा ज्वाइन कर देना है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, लास्ट में जो बेटा आएंगे वो बन जाएंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मनफी और सवाल या फिक्रे। अब आपको समझाया है बेटा कि हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ इतना करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट राइट करना है, जो तरतीब है वो सवाल या फिक्रों वाली ही होगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाली ही होगी सारी, सिर्फ इतना करना है कि सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, क्योंकि नेगेटिव हमने इंक्लूड किया है तो नॉट लाजमी आएगा, इसलिए नॉट आपने ठीक है ना सब्जेक्ट के बाद राइट करना है। तो सबसे पहले विल और शैली आएगा, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट, फिर बेटा नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब ठीक है ना बेटा, फिक्रा है कि आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, मैं सेब नहीं खाऊंगा, ठीक है ना बेटा, उसे नेगेटिव में कन्वर्ट किया था हमने, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये बेटा शैल पहले आ जाएगा, शैल आई नॉट ईट एन एप्पल, क्या मैं सेब नहीं खाऊंगा, शैल आई नॉट, Shall I not eat an apple? उसके बाद वो अपना सबक याद करेगी, नेगेटिव वो अपना सबक याद नहीं करेगी, इंटेरोगेटिव क्या वो अपना सबक याद करेगी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या वो अपना सबक याद नहीं करेगी, तो विल शी नॉट लर्न हर लेसन, विल शी नॉट लर्न हर लेसन। उसके बाद बेटा लास्ट में ठीक है ना, वो मैच खेलेंगे दे विल प्ले अ मैच, वो मैच नहीं खेलेंगे दे विल नॉट प्ले अ मैच, क्या वो मैच खेलेंगे विल दे प्ले अ मैच, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो मैच नहीं खेलेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, बनेगा विल दे नॉट प्ले अ मैच, विल दे नॉट प्ले, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्ले अ मैच। तो ये बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग थी। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के हवाले से आपने याद रखना है कि विल और शैल के बाद हमने बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है, नेगेटिव सेंटेंसेज में चूँकि नेगेटिव सेंटेंसेज हैं नॉट लाजमी आएगा, तो विल नॉट हेल्पिंग वर्ब जो है उनके साथ हमने नॉट लगाना है, विल नॉट और शैल नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में मैंने आपको बताया हुआ है कि नॉट से पहले जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं वो इधर सबसे पहले आएंगे, विल और शैल सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क।
नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया हुआ है कि सारी तरतीब यही सवालिया फिक्रों वाली होगी, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इजाफा कर देना है और आखिर में क्वेश्चन मार्क। फिर इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इस टेंस को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।